नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। आखिर SIG 716 को क्यों कहते हैं सूट टू किल गन, जिसका सेना ने अभी हाल ही में ऑर्डर दिया है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत भारतीय सेना ने 72,000 अमेरिकन असाल्ट राइफल खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए सेना की तरफ से ऑर्डर भी दे दिया गया है। यह सभी अत्याधुनिक हथियार अमेरिका से खरीदे जाएंगे। बता दें कि पहले बैच के ऑर्डर के पूरा हो जाने के बाद अमेरिका के तरफ से इस बंदूक के दूसरे बैच के लिए ऑर्डर दिया गया है। इससे पहले सेना को 72,000 अमेरिकी असाल्ट राइफल मिल चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल उत्तरी कमांड ऑपरेशन एरिया में किया जा रहा है। इस राइफल की सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज 500 मीटर यानी कि लगभग आधा किलोमीटर है। इसमें 7.62 mm का बोर है। साथ ही इसकी गोली दूसरे बंदूकों के मुकाबले बड़ी होती है और ज़्यादा घातक होती है। इस बंदूक से लगाया गया निशाना बेहद सटीक होता है और एक गोली में ही दुश्मन को ढेर करने की इसमें क्षमता होती है। यही वजह है कि इसे शूट टू किल राइफल भी माना जाता है। सेना के सूत्र ने कहा है कि सेना को अपने हथियारों के लिए जो बजट मिला है, उसके तहत हम 72,000 और अमेरिकी असाल्ट राइफल का ऑर्डर दे चुके हैं, जिससे हमारे सैन्य बलों को ताकत बढ़ेगी। बता दें कि इससे पहले जो 72,000 SIG 716 असाल्ट राइफलें भारतीय सेना को मिली हैं, उनका इस्तेमाल आतंकरोधी अभियानों में किया जा रहा है। इससे आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई को मजबूती मिली है। इससे पहले भारत ने फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत अमेरिका से 72,000 राइफलें खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपए का करार किया था। ये नई राइफलें अभी सेना में इस्तेमाल किए जा रहे इंसास की जगह लेंगी। इंसास राइफल को भारत में ही सेना के लिए हथियार बनाने वाली आर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से तैयार किया गया था। योजना के मुताबिक अमेरिका से करीब 1.5 लाख SIG 716 असाल्ट राइफलें खरीदी जाएंगी, जिनका इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों के लिए किए जाएंगे। इस हथियार से आतंकवादियों से लड़ने में मदद मिलेगी, जबकि बाकी सेना AK-203 राइफल का इस्तेमाल करेगी, जिसका निर्माण अमेठी की आयुध फैक्ट्री में भारत और रूस के साझा सैन्य उपक्रम के तहत किया जा रहा है। भारतीय सेना बीते कई सालों से अपने इंसास राइफल को बदलना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से यह काम अटक जाता था। अभी हाल ही में लाइन मशीन गन, जिसे LMG भी बोला जाता है, उसकी कमी की वजह से रक्षा मंत्रालय ने इसराइल की कंपनी को 16,000 लाइट मशीन गन का ऑर्डर दिया था। बता दें कि मई के महीने में ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। चीन ने अपने इलाके में भारी सैन्य बलों की तैनाती अभी भी कर रखी है, जिसके जवाब में भारत ने भी वहां सैनिक की संख्या बढ़ाई है। इस तनातनी के बीच में भारत और चीन के कई सैनिक शहीद भी हो चुके हैं। इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।